हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर ग्रेविटेशन। जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने व्हाट इज ग्रेविटेशन पढ़ा, ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो किसके प्रपोर्शनल होता है, मास के, और इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। उसके लिए हमने मैथमेटिकली जो उसका फॉर्मूला है वो ड्राइव किया था। तो मैथिकल जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें हमने ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसके बारे में बताया था कि पहले हमने लिखा था एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, उसके बाद हमने लिखा एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। आप आर की जगह यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में डी लिखा हुआ है, डी मीन्स डिस्टेंस, तो डी का यूज़ कर लो या आर का। मैंने जो आपको डायग्राम बना के बताया तो जो डिस्टेंस बताया था उसको किससे शो किया था, आर से, इसलिए मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा। आपकी बुक में डी लिखा हुआ है तो आप डी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यदि हम उसको प्रपोर्शनल बनाने के लिए कांस्टेंट के लिए हमने किसका यूज किया था, जी का। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, इसको वैल्यू किस तरह से, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट ऑफ मास, यूनिट मास किस-किस के उसमें इसको करते हैं, मास, मास को आपको पता है किससे हम जो करते हैं, केजी से। एंड ईच व्हेन कैप्ड विद देयर कॉन्ट्रास्ट इन यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जो यूनिट है उसको हम किससे करते हैं, एम से करते हैं। तो ए पार्ट यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी क्या होगी, एन एम स्क्वायर केजी पावर माइनस टू, ये कौन सी यूनिट कहलाती है, इसकी ऐसा यूनिट। अब ये कैसे निकली है आपको बताना चाहिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर माइनस टू जो है वो किस तरह से, इसकी ऐसा यूनिट कहलाती है, जी की यूनिट ऑफ जी में ये ऐसा यूनिट है। आपको पता है कि कल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर, या आप इसको डी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की जो यूनिट होती है, जी इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसके बाद में जो है आर, आर स्क्वायर की वैल्यू यदि हम इसको जी निकालेंगे, जी की वैल्यू निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। आर डिस्टेंस को हम किससे करते हैं, मीटर स्क्वायर, और जो मास होता है उसको करते हैं के जी स्क्वायर। दो का हो गया ना, एम वन और एम टू, दो ऑब्जेक्ट का हो गया या दो बॉडीज का हो गया, तो क्या हो गया, एम वन एम टू का क्या हो गया, के जी का स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी वो किसमें आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का माइनस टू पावर द माइनस टू, पावर द माइनस टू क्योंकि जब आप केजी टू को ऊपर लेके आएंगे तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगी, माइनस टू में। तो यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू पावर माइनस टू, ये इसकी कौन सी यूनिट कहलाती है, ऐसा यूनिट। एक यूनिट और होती है, वो होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को हम जो फोर्स होता है उसको किसमें यूज करते हैं, डायन में। तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर माइनस टू, ये कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। अब आपको वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट जी है उसकी वैल्यू क्या है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर ये वैल्यू आपको पुट करके फिर आपको लिखनी पड़ती है। जैसे मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और जी की वैल्यू आपकी लिखी हुई आती है न्यूमेरिकल में। तो जैसे आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए जितनी भी वैल्यू उसको पुटअप करके आप कोई भी न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ऐसा यूनिट में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर माइनस टू स्क्वायर माइनस टू। और सीजीएस में होती है ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर माइनस टू। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है इसको आपको अच्छी तरह याद करनी है। वैसे सीजीएस यूनिट में तो नहीं पूछा जाता है, आपको केवल ऐसा यूनिट का ही पूछना है। ये तो केवल मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीजीएस यूनिट में भी बताया है। तो जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में आपको दो बॉडीज या दो जो भी सब्जेक्ट है उनका क्या दिया जाए, मास दिया जाए, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में, कल मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था इस तरह से कि दो बॉडी है एम वन और एम टू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से नापा जाता है, सेंटर से सेंटर तक का।
तो डिस्टेंस को आप डी से लिख सकते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो वन अपॉन डी का स्क्वायर या आर का स्क्वायर, इसको नाम दिया था एम वन और एम टू। तो यदि आपको मास दे दिया जाए दोनों का, डिस्टेंस दे दिया जाए और जी की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू पावर माइनस 2। तो इसमें वैल्यू को पुट अप करके आप फोर्स आपको निकालना है, तो आप फोर्स में जो भी वैल्यू है उसको पुट अप करके कोई भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी बुक में न्यूमेरिकल दे रखा है, एग्जाम्पल 10.1 है, तो उस न्यूमेरिकल को आपको अपनी कॉपी में करना है। आपकी बुक में लीजिए इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जाम्पल 10.1, तो ये न्यूमेरिकल को आपको अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये था आज हमने बनाया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है और उसके ऐसा यूनिट क्या होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है और ये ऐसा यूनिट क्यों आई है इस तरह की, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो कल जो हमने फॉर्मूला निकाला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो उस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए फोर्स जो होता है वो किसमें होता है, हमेशा जी की निकालनी है तो एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू। तो जो फोर्स होता है वो उसकी क्या होती है, न्यूटन होती है। जो डिस्टेंस है उसको हम किसमें निकालते हैं, मीटर में, और जो मास होता है उसको केजी में। तो इस तरह से इसकी यह वैल्यू आती है। तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करना है। इसी से रिलेटेड जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है इसी से रिलेटेड आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू पुट करनी है और सीधा उसको निकालना है, और जो जी की वैल्यू है ऐसा यूनिट में उसको आपको याद करना है, नहीं तो न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू आपकी लिखी हुई आती है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंसी ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंसी है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हमको उस फोर्स के बारे में पता चलता है जो अर्थ लगाती है और अर्थ उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि जो मून है वो किस तरह से अराउंड करता है अर्थ के चारों ओर। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं या मूव अराउंड कर रहे हैं, इसके बारे में हमें हमको ग्रेविटेशन से पता चलता है। द टाइड ड्यू टू द मून एंड सन टाइड्स, आप जानते हो जो सी के अंदर जो टाइड्स आते हैं जिनमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जिसको हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, तो उसका रीजन मून और सन के उसके कारण ग्रेविटेशन कारण होता है। तो टाइड्स किस तरह से आते हैं इसके बारे में भी हमको लॉ इसी ग्रेविटेशनल के लॉ से पता चलता है। तो आज के टॉपिक में आपको मैंने बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट क्या है, उसका जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, किस तरह से इस यूनिट को हमने फाइंड आउट किया है, क्यों ये यूनिट है, ये इसको जो हमने फॉर्मूला लिखाया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उसके अनुसार, उसके बाद में आपको वैल्यू बताई है, वैल्यू आपको याद करनी है और इससे रिलेटेड यदि बुक के पीछे भी जो न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले से रिलेटेड वो आपको अपनी कॉपी में करना है। और इसके बाद में आप पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंसी ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या है, इसके लिए किस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।